हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंजू, होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वैसे तो आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, जितना मुश्किल बॉडी शेप के अकॉर्डिंग लॉन्ड्रीज को फाइंड आउट करना होता है, उतना ही मुश्किल लॉन्ड्रीज को मेंटेन करके रखना होता है। तो आज इस वीडियो में हम अपनी लॉन्ड्रीज को मेंटेन करके कैसे रखना है और साथ ही हमारी लॉन्ड्रीज लॉन्ग लास्टिंग चले और सालों साल नई जैसी दिखती रहे, इसके लिए हमें इन्हें वॉश कैसे करना होता है, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप अपनी एक्सपेंसिव ब्रास को या फिर नॉर्मल पैडेड ब्रास को वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्रास की जो इलास्टिक होती है वो लूज़ हो जाती है। इसके अलावा जो पैडेड ब्रा होती हैं उनके अंदर जो पैड लगे होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। सो गाइस, जब भी आपको अपनी पैडेड ब्रास को या फिर एक्सपेंसिव लॉन्ड्रीज को वॉश करना हो, आप एक टब ले लीजिए। टब के अंदर लिक्विड वार्म वाटर और जो भी आप नॉर्मल रेगुलर डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं वो पाउडर ले लीजिए। उसको हम डिसॉल्व करेंगे लिक्विड वार्म वाटर, और इस टाइप की जो ब्रास होती है ना उनके अंदर वायर होती है, और ये जो वायर होती है ना, जब भी आप वॉशिंग मशीन में इसको डालोगे तो ये वायर बैंड हो जाएगी, और वायर के बैंड होने के बाद चाहे आप इसे कितना भी सीधा कर लो, ये सीधी नहीं होती है ठीक से। और इसके बाद में जब आप इसको वियर करते हो ना, तो आपको इसके साथ बहुत सारे ब्रेस्ट इश्यूज भी होने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। सो गाइस, टब के अंदर मैंने गुनगुने पानी में सरफ घोल लिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक करके अपनी लॉन्ड्रीज को यहाँ पे डालती जा रही हूँ, और हमें इनको मोड़ना तोड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मोड़ने तोड़ने से जो इनके अंदर पैड लगे होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, और इसके बाद जो इलास्टिक होती है वो भी लूज़ हो जाती है, स्क्वीज़ नहीं करना हमें, और इसके बाद जो इसमें वायर्स वगैरह लगे होते हैं वो भी बैंड हो जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस ना करते हुए हमें इन्हें सिंपली इसके अंदर डालना है, और थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए टब में सोक करके छोड़ दो, और इसके बाद बिल्कुल हल्के हल्के जेंटल हाथों से इनको रब कर दो, और जिनके अंदर भी स्पॉट्स या फिर स्टेन लगे हुए होते हैं ना, तो उनको क्लीन करने के लिए आपको ये वाला इजी लेना है, और इजी को हैंड पे थोड़ा सा लेके टूथब्रश की हेल्प से जेंटली रब करना है उस एरिया पे जहाँ पे भी हमारे स्टेन या दाग लगे हुए हैं। टूथब्रश कपड़े धोने के ब्रश के कंपैरिजन में बहुत ही जेंटल होता है, सॉफ्ट होता है। जो हमारी लॉन्ड्रीज होती है ना, उनके साइज बैंड बहुत छोटे होते हैं, पतले पतले होते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए टूथब्रश बहुत अच्छे से वर्क करता है। और हल्के गुनगुने पानी में अपनी लॉन्ड्रीज को और ब्रास को वॉश करने का ये फ़ायदा है कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। एंड गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पर्सनल हाइजीन रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। और आफ्टर क्लीनिंग हमें इन्हें रूम टेम्परेचर वाले वाटर के अंदर नॉर्मली वॉश करना है। अब जिस तरीके से मैं इनको सुखा रही हूँ ऐसे ही आपको इन्हें सुखाना है, कभी भी इस तरीके से मत सुखाना, इससे आपकी ब्रास की जो इलास्टिक होती है वो लूज़ हो जाएगी। और कभी आप ध्यान से देखेंगे ना तो लॉन्ड्रीज को वॉश करने के लिए उनके ऊपर डायरेक्शन पहले से ही दी हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, हैंड वॉश, डू नॉट ब्लीच, फॉर्म आयरन, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।